नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश यादव। इस वक्त हमें सीपरी में, जहां पर इंदो एक स्टेट बैडमिंटन गेम्स हुआ था, जिसमें मुस्कान सीख ने जीत हासिल की है और आज उनके पास में है, उनके साथ में है, उनसे पूछेंगे कैसे उन्होंने हासिल की और आगे जो 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो प्रतियोगिता होने जा रही है, कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता होने जा रही है, गेम्स होने जा रहा है, उसमें भी भाग लेने जा रही है, तो कैसे क्या उन्होंने जीत हासिल की, कैसे आगे करेंगे। पहले तो आपका सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं मुस्कान शेख हूँ और मैंने अभी, मेरा इंदौर में पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हुआ था जिसमें मेरा गोल्ड आया था। उसके बाद मेरा नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैं केरला गई थी जिसमें मेरा दो इवेंट में गोल्ड आया था और एक इवेंट में सिल्वर आया था और वहीं से मेरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था। अब मैं 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक न्यूजीलैंड खेलने जाऊंगी कॉमनवेल्थ। तो जो स्टेट में आपने वो जीता था, जो आपने मेडल गोल्ड मेडल जीता है ना, गोल्ड जीता है, तो उसमें कितने किलो का था, कितने वेट था उसका? पावर लिफ्टिंग में मेरा, जब मैं नेशनल में केरला में गई थी तो मेरा टोटल था 272.5 और अब बढ़ के इंक्रीज हो गया है और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मेरा न्यूजीलैंड में भी अच्छा प्रदर्शन हो पाए। मैं पूरा बेस्ट दे रही हूँ उसके लिए और अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। जो आपने जो अभी जीत हासिल कर रहे हैं, हर बार जो आप जहाँ पर भी गेम्स में प्रतियोगिता में भाग लेती हैं तो हर बार जीत हासिल कर रही हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? आपके गुरु हो या माता पिता हो, किसको देती हूँ? इसका श्रेय मेरा पूरा पापा को जाता है क्योंकि उनके सपोर्ट के वजह से मैं यहाँ तक आ पाई, उनके गाइडेंस के वजह से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो मैं ये इसका पूरा क्रेडिट अपने पापा को दे पाऊंगी क्योंकि मेरी तो बस फिजिकल मेहनत है, बाकी सब मेहनत मेरे पापा ने की है। और मेरे एक कोच भी है एमआर निवासकर सर, उन्होंने भी मेरा थोड़ा हेल्प किया है, तो उन लोगों के वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मुस्कान हैं, उनका कहना है कि जो गेम्स हैं जो वहाँ पर इंदौर में भी जीत हासिल की है, तो इन्होंने एक ऐसी पर्चा दिया है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो व्यक्ति ना कर सके। लेकिन हम इनसे एक बात और पूछेंगे कि जो आप गेम्स खेलती हैं, तो गेम्स में जब तैयारी भी कर रही हैं, तो तैयारी में ऐसा क्या है कि कुछ लोग ऐसे डराते हैं कि ऐसे तैयारी नहीं कर सकते, कुछ अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते, तो ऐसे आपने आपके घर वालों को ऐसा नहीं लगा गया? सबसे पहले मैं बात करूँ वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग जैसे गेमों में, गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि कोई ऐसा सप्लीमेंट्स ना बता दे कोई, या गलत गाइडेंस ना दे दे कोई। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर तुम्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती तो तुम उतना अच्छा नहीं कर पाते, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अपने तरफ से पूरी मेहनत करोगे और सही तरीके से करोगे, सही गाइडेंस के साथ चलोगे, तो तुम जरूर अच्छा कर पाओगे। जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी कर पाओगे। जो 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक प्रतियोगिता होने जा रही है आपकी, कॉमनवेल्थ की प्रतियोगिता होने जा रही है न्यूजीलैंड में, तो उसमें क्या कैसी गेम्स रहता है, उसमें क्या खेला जाता है वहाँ पर और क्या चलता है वहाँ पे? मैं पहली बार ही जा रही हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, वहाँ जाके पता करेंगे। बाकी वहाँ पे ऐसा है कि मेरा गेम होगा, मेरे गेम पावर लिफ्टिंग जिसमें 3 इवेंट होते हैं, स्क्वाट, डेड और बेंच प्रेस, और वहाँ जाके अब मैं परफॉर्म करूँगी, उसके बाद ही आके बता पाऊँगी कैसा। जैसा आपने देखा कि मुस्कान ने कहा है कि लड़कियों का ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अगर हिम्मत हार जाते हैं तो कुछ मान सकती है, लेकिन हिम्मत है तो कुछ भी कर सकती हैं। और इसके लिए मैं जा सकता हूँ कि सीपरी ऋषि गोस्वामी के साथ अमरीश यादव।